आज ही हम अभी विचार नहीं करेंगे मेरे निर्देशक तीसरी लहर के बारे में। आजकल तीसरी लहर आएगी ये चर्चा विशेषज्ञ और बाकी लोग कर रहे हैं, लगातार ये समाचार आ रहे हैं। और एक बात ये आ रही है कि तीसरी लहर का ज्यादा असर बच्चों पर होगा। अब वो कब आएगी और बच्चों पे क्या असर होगा आज सुनिश्चित कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमको तीसरी लहर के मुकाबले के लिए तैयार रहना है। और एक समिति हम बना दें विशेषज्ञों के, विशेषकर जो बच्चों के इलाज की विशेषज्ञता वाले टीम है वो हम एक बनाए। अभी बच्चों के इलाज की कितनी व्यवस्था हमारे पास कुल मिला के मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पताल हो, जिला अस्पताल हो, बाकी हो, कितनी है हमारे पास। पर आगे अगर ऐसी लहर आई तो कौन कौन सी व्यवस्था करना जरूरी है, इसके लिए हम ICMR के भी कांटेक्ट में रहे, भारत सरकार के संपर्क में भी रहे और दुनिया में भी हम जानकारी लेते रहे कि क्या संभावना है, क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। तो हम अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के प्रयास अभी से प्रारंभ कर दें, वो एक कमेटी आप बनाना सुनिश्चित करें ताकि अभी से काम शुरू हो जाए। एक बात और, तीसरी लहर में हमको कितने ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन प्लांट लगातार हम लोग लगा रहे हैं, 96 हमारे लग रहे हैं लेकिन ज्यादातर की क्षमता कम है। तो बड़े ऑक्सीजन प्लांट के लिए लोगों को तैयार करना, ऑक्सीजन की आपूर्ति की सुनिश्चित व्यवस्था। और तीसरे, अपने यहां दवा कंपनियां बहुत हैं, संजय शुक्ला भी अगर जुड़े होंगे तो मुझे सुन रहे होंगे, रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन का उत्पादन क्या मध्य प्रदेश में करने के लिए किसी कंपनी को प्रेरित किया जा सकता है, हमको बात करना चाहिए क्योंकि हमारे यहां दवाइयों का निर्माण काफी होता है। इंदौर तो दवा निर्माण के मामले में हमारा फार्मा हब है। तो हम कोशिश करें अभी से कि अगर ऐसी दवाइयां हमारे यहां बन सकती हो तो हम बनाने की कोशिश के लिए किसी कंपनी को प्रेरित करें और उनको जो सुविधा सहायता दे सकते हैं हम देने का काम करें। प्राइवेट सेक्टर में ऑक्सीजन प्लांट की हमने नीति बना ली, 50% कैपिटल सब्सिडी और 1 रुपया प्रति यूनिट बिजली का कम लेंगे, लेकिन वो इंप्लीमेंट करने के लिए एक समूह हो जो इनको प्रेरित करे सबको कि ऑक्सीजन प्लांट लगाओ और इस नीति का लाभ उठाओ। मुझे लगता है कि इस समय हमें हर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लग जाए कोशिश करनी चाहिए और प्राइवेट अस्पताल वाले भी लगवाए और इस नीति का वो फायदा उठाए और बड़े ऑक्सीजन प्लांट उनकी खपत और आवश्यक दवाई। मुझे लगता है कि दूरदर्शितापूर्ण फैसला हमारा यही होगा कि हम अभी से दूसरी लहर का मुकाबला करते करते तीसरे लहर से हम कैसे लड़ेंगे उसके लिए तैयार हो जाए। ये चीजें मेरे मन मस्तिष्क में चल रही थी तो मैं क्या पहले मैं इनके निर्देश दे दूं तो इस पर काम शुरू हो जाए। अब हम रेगुलर जो हमारी समीक्षा है वो प्रारंभ करेंगे।